स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। पानी पहुंचाओ। ये लो, ये लो पानी लियो, जल पियो। अनीता ने गुफा से निकलने के पहले पानी के अंदर जहर मिला दिया था, जिससे चोलाओं के बहुत से सैनिक तड़प तड़प कर मर गए। न वो सिर्फ संख्या में कम रह गए, उनका हौसला भी बहुत हद तक टूट गया। जाहिर है चोलाओं की हार और करीब आती जा रही थी। Ah!
हमें ग्रेनेड्स इस्तेमाल करने होंगे। सेना का नाम क्या है? तुमने हमें इसके बारे में तो नहीं बताया था? सोचा था डर जाऊंगा। युद्ध का नतीजा क्या निकलने वाला था उसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। अपने आधुनिक हथियारों के साथ 21वीं सदी के पांडियन ने 16वीं सदी में रहने वाले चोलाओं की फौज को एक बार फिर से पराजित कर दिया। पांडियन अपने जिस कुलदेवी की मूर्ति को वापस हासिल करना चाहते थे आखिरकार वो उन्हें मिल गई। जिन चोलाओं को वो सैकड़ों साल पहले अपना गुलाम नहीं बना पाए थे वो उन्होंने अब कर दिखाया। लगता था कि चोलाओं की किस्मत में सिर्फ गरीबी, भुखमरी और गुलामी लिखी थी। आदमी हो, औरत हो या बच्चा, किसी को नहीं बख्शा गया। इन सब को युद्ध के कैदी यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिया गया। उस युद्ध के बाद चोलाओं के साथ कितना क्रूर अत्याचार हुआ होगा वो सोचकर ही रूह कांपने लगती है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ईश्वर ने इंसान बनाया तो उसे सिर्फ प्रेम की बोली बोलने के बजाय निष्ठुर, अहंकारी और दूसरों पर हुकूमत करने की प्रवृत्ति क्यों दी? जब तक इंसानी फितरत से ये बुराइयां नहीं मिटेंगी कोई न कोई पांडियन किसी चोला का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शोषण करता रहेगा।
रहा था, हाथ से जाने ना पाए। निकम्मो, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, जाओ यहाँ से। देखो आ गया, आ गया।